हाय स्टूडेंट, आप सबको आपके मैथ्स इंडो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे, ठीक है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन नंबर 5? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर या कहे तो 3 नंबर्स, यानी 3 और 6 नंबर, 3 का है, 3 नंबर के हैं या 6 नंबर के हैं, पूरा फिक्स है कि ये आता ही है क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से आपका 3 नंबर या तो 6 नंबर निश्चित रूप से ये आता है, तो आप इसे जान लें तो आपका ये 6 यानी 6 नंबर या तो 3 नंबर फिक्स, एकदम फिक्स, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए एकदम पूरा का पूरा इंटरेस्ट लेकर के देखिएगा। और इंटरेस्ट आपको पहले बताते हैं कि मैथ में इंटरेस्ट रखिए तो आपको मैथ कहीं भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट देगा मैथ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम लोग बनाने से पहले उसमें कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, मीन्स फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, कुछ सूत्र होते हैं, जो बेसिक सूत्र होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर जो आप उसको नहीं जानेंगे तो आप बिना जाने आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हम लिख देते हैं, आप उसे जरूर देखें और उसको जरूर अपने जहन में याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप याद नहीं, थोड़ा सा आपके माइंड में रिमाइंड नहीं होगा ये सब, तो बनाने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होगी, समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या क्या आइडेंटिटी है। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि बेसिक, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज है। तो क्या क्या है देखिए, जैसे कि पहला है, ठीक है, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला क्या क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट नंबर में लेते हैं साइन थीटा, क्या है दोस्तों ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का होता है 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये होता है 1 बाय कोसेक थीटा। इसी तरह से कोस का भी उल्टा होता है। ये सब का सब क्या है, ये बेसिक, ये आइडेंटिटीज है, मीन्स फॉर्मूला है। कोस का हो जाता है सेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं सेक थीटा। तीसरा में अब आ जाए हम लोग टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो टेन का होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, है ना, ये हो गया। फिर फोर नंबर में आ जाए हम लोग लिखते हैं कोट थीटा, तो कोट का होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से और दिखाई होते हैं, क्या क्या होते हैं देखिए, क्या जानते हैं हम लोग ये। तो इसी का उल्टा हम लिख सकते हैं कि अब ये कोसेक थीटा है ना, देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी में समझ सकते हैं, ये कोसेक थीटा को इधर ला सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर इस तरह से लिख दें कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और क्या हो जाएगा सेक थीटा, जस्ट कोस वाला उल्टा कर देंगे तो 1 बाय कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से होते चला जाएगा। तो और भी देखिए, अब ये सब क्या है, अब इस तरह से जब ये दोनों देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल 1 बाय कोसेक थीटा, तो इसको साइन, है ना, इसको देखिए इसी का उल्टा हो रहा है और यहाँ भी इसी का उल्टा हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर यदि हम लोग इसको जो है ऐसे लिख दें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन का तो 1 बाय कोसेक होता है, 1 बाय कोसेक गिनती क्या हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से और देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, कोस थीटा इंटू, है ना, इंटू हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या मिलते हैं, जो कि इसके आगे में देखिए ये टेन और कोट का, क्योंकि साइन बाय कोस होता है और कोस बाय साइन होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो साइन बाय कोस, साइन बाय साइन कट जाएगा, कोस बाय कोस भी कट जाएगा हम लोग का, है ना, ये 1 1 हो जाता है। चलिए इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है, इसे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। क्या होता है
कि आप ये जो है इसको जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस फॉर्मूले के आधार पे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले और भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले चलिए, ये साइन है ना, इधर ये माइनस जाएगा तो आपका बन जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए ये साइन स्क्वायर तो चल गया ना, तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मिल जाएगा। ऐसे ही अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस को उधर ले चलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, क्या मिलेगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब जो है ये सब बेसिक चीज है, आपको जितना भी क्वेश्चन को बनाइएगा ना सॉल्व कीजिएगा धीरे धीरे उतना ही आपको ये सब याद होता चला जाएगा, क्योंकि जितना ही आपको याद रहेगा एग्जाम में उतना ही आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको ये तीन नंबर या तो छह नंबर एकदम प्रफिक्स करता है, ठीक है, इसलिए इसमें आपको बहुत ही पहरा देना होगा, पहरा मतलब उसको याद रखना होगा, आपको बार बार थोड़ा सा देखने का जरूरत पड़ेगा। जैसे गाने में कहता है लोग ना, क्या है गाने का बोल बोल रहे हैं, हाँ गाने का बोल ये है, जब जब प्यार में पहरा हुआ है प्यार उतना ही गहरा हुआ है, है ना स्टूडेंट। तो उसी तरह से है, जितने आप मैथ में पहरा डालिएगा उतना ही आपको मैथ को उतना ही अधिक गहरा लगाव हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग इसमें लेते हैं, अब यहां तक आ गया, देखिए क्या की कोस को कोस साइड ले गए थे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल गया। अभी इसी में क्या करते हैं कि मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा दो सभी में डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहां भी डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहां भी डिवाइड करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट करके वन हो जाएगा, तो वन हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा क्या हम लोग को, तो साइन एक बार डिवाइड कर सकते हैं, एक बार कोस डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लो एक बार हम लोग कोस डिवाइड करते हैं इसमें, तो देखिएगा कोस इसमें कोस स्क्वायर डिवाइड है ना, ऐसे बता देते हैं थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे कि हम लोग मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है स्टूडेंट, बराबर वन दिया हुआ है, इसमें हम लोग साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा और ये बटा कोस स्क्वायर थीटा और ये बटा कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग कट जाएगा वन प्लस कोस, नहीं सॉरी ये नहीं कटेगा ना, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, गलती से कट गया, ये नहीं कटेगा, ये हम लोग कट जाएगा कोस बाय कोस, और ये क्या है साइन बाय कोस है। अब देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, साइन बाय कोस का वैल्यू टेन होता है, इससे क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये कट करके वन हो गया, और वन बाय कोस, वन बाय कोस का देखिए कहाँ लिखा नहीं है, वन बाय कोस का वैल्यू क्या होता है सेक थीटा होता है, इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, देखिए एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया है ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोस डिवाइड करते हैं, देखिए फिर अगेन है ना, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं नहीं यहाँ पे साइन स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा हम लोग यहाँ से आंसर कट जाएगा वन प्लस, देखिए कोस बाय साइन, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन का वैल्यू कोट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय साइन, वन बाय साइन का वैल्यू क्या है वन बाय साइन, वन बाय साइन का वैल्यू क्या है हम लोग का कोसेक थीटा स्क्वायर में ना है, तो ये हम लोग को जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले से कितने जनरेट हो रहे हैं, तो बेसिक चीज आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको आप याद जितना याद रखेंगे उतना ही आपको ये बेनिफिट देगा। ठीक है स्टूडेंट, जितना आप याद रखें तो बेनिफिट देगा, क्या बताए, जब जब प्यार में पहरा हुआ है उतना ही गहरा हुआ है, उसी प्रकार से जब जब इसमें आप जितना पहरा जितना ध्यान दीजिएगा उतना ही आपको अधिक ध्यान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्या आपको पता है कि इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले को हम लोग जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, है ना, जो कि आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके 8.5 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करने के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानेंगे ये सब के बारे में तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व तो हम कर लेंगे, है ना, आप समझ भी जाइएगा, लेकिन कभी जो फिर से जरूरत पड़ेगा बनाने के लिए तो
तो आप बार बार YouTube में नहीं जाइएगा, आप खुद सॉल्यूशन करिएगा, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्या है हम लोग को इसी फॉर्मूले से क्या मिल रहा है, और अभी देखिए जैसा कि है ना, वन प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और मिला और क्या मिला हम लोग को कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है इसी को फिर बुलेट पर कर दीजिए, कहने मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सेक को ये वन को उधर ले चलते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और फिर ये वन को उधर ले चलते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए ये सब जो है ना फॉर्मूला है, और ये सब फॉर्मूले को याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, और भी फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ही वन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका आइडेंटिटीज, और ये सब फॉर्मूले आपको विशेष कर ध्यान देना है। फिर कोशिश जितना भी आप सॉल्व कीजिएगा, जितना बार भी सॉल्व कीजिएगा, धीरे धीरे ये सब आपके माइंड में आ जाएगा, एकदम निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ये सब का यूज है। अब देखिए इसी सब फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 5 में यूज है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन थे, है ना। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, तो ये सब क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है ना फिक्स करता है, ये फिक्स इसमें आता ही है। ठीक है, 6 नंबर में या तो 3 नंबर से मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है ना, पहला क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रूफ कीजिए यानी प्रूफ दैट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या दिया हुआ हम लोग का, क्या प्रूफ करना है, ये वन इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा बाय वन प्लस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है ना। तो चलिए बस आपको बताया यही सब फॉर्मूला का यूज हम लोग को करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का सवाल में अगर आ जाए, इस तरह का सवाल में आपका ये प्रश्न उठ जाए कि आप सिद्ध करके दिखाइए, देखिए आपके ये तीन तरीके हैं बनाने का, इसका तीन तरीके ये हैं कि इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, दोनों सॉल्व कीजिएगा तो दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा, या तो फिर एक पक्ष को लेकर के चलिए तो दूसरा पक्ष आ जाएगा, यानी एक साइड को लेकर चले तो दूसरा साइड आ जाएगा, या तो आप ये जानते होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच होता है ना, कोस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है। ठीक है, टेन डिग्री होता है, पी बाय बी होता है, इस चीज को वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो ये भी आपका मान निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बताएंगे ये इसका उपयोग तीनों का बताएंगे, लेकिन आपको बनाना है एक ही मेथड से। ठीक है, आपको बनाना है एक ही मेथड से, आपको जिसको अच्छा लगे, जिसको जो भी आसान लगे आप उससे बनाए। ठीक है, क्योंकि ये इस मेथड से भी आसान लगता है, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा के कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, बनेगा लेकिन कोई भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में नहीं, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा के वो बड़ा रोल लेता है ना। तो चलिए तो हम लोग आपको क्या बताया, इसको तीन रूप से बनाते हैं, या तो दोनों पक्ष एक साथ में, इसको एक पक्ष और इसको पक्ष दोनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, या तो फिर एक पक्ष को सॉल्व कीजिए, दूसरा पक्ष अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इसको क्या कहते हैं, LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं, है ना। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए करते हैं, चलिए प्रूफ। ठीक है, क्या लेते हैं, LHS बराबर, LHS बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है cosec theta माइनस cot theta। ठीक है, का होल स्क्वायर दिया हुआ है, है ना। चलिए अब हम लोग इसको दूसरा पक्ष को लाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या करते हैं, देखिए जो आपको बताया कि जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है, जो आईडी लिखा दी है, बस इसी का उपयोग है यहाँ पे,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। देखिए ये सब कुछ हम लोग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, और ये ध्यान देना होगा इस तरह के क्वेश्चन में, आपको ये ध्यान देना होगा कि किस रूप में लाना है, किस रूप में लाना है, ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कोसेक है और कोट है, यहाँ पे क्या है कोस और साइन है, ये साबित करता है कि इसको जो है कोस और साइन में तोड़िए, है ना, क्या है कोस और साइन में, ना इसको कोस और साइन में तोड़िए तो अपने आप आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दोनों पक्ष में क्या क्या दिया हुआ है, क्या लाने के लिए आता है, हम क्या दिखाना है ना, तो जिसको दिखाना होगा उस रूप में लाना होगा। तो देखिए हम लोग को साइन और कोस मिलाना है ना, तो कोसे कोसे का साइन के रूप में क्या होता है, देखिए कोसे का और वन बाय साइन थीटा होता है, तो कोसे की जगह पे क्या लिखेंगे, वन बाय साइन थीटा माइनस, अब कोट का क्या होता है, कोट का लिखा है कोस बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, का होल स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहां से इसको, इसका लेते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, इधर से इसको एलसीएम लेते हैं, या तो एलसीएम ना भी लें, हाँ एलसीएम लेना ही होगा क्योंकि दोनों का साइन थीटा है ना, दोनों का साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, और ये वन माइनस कोस थीटा हो जाएगा, वन माइनस कोस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर है ना, ऐसे करते हैं इसको स्क्वायर को पूरा करते हैं, ये स्क्वायर ये पूरा है, ठीक है। आगे लिखते हैं वन माइनस कोस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का एंटीज आपको लिखा दिए हैं यहाँ पे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको लाना है उस रूप में, देखिए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, दिया जाएगा वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, वन माइनस, अच्छा यहाँ पे एक चीज है प्रूव करने के लिए, यहाँ पे साइन नहीं है कोस दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव करने के लिए आपको कोस थीटा दिया हुआ है, सॉरी यहाँ गलती से लिखा है साइन थीटा, वन प्लस कोस थीटा दिया हुआ है। तो देखिए अब चलिए क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, है ना, और हम लोग को बाय साइन स्क्वायर का दिखा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन माइनस कोस स्क्वायर, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूले कहीं कहीं पे कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला आ जाते हैं, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला प्रयोग हो जाता है, ये दिमाग में आपको रखना होगा ये सब चीज, क्योंकि मैथ है बहुत इंटरेस्ट देता है यार, आप देखिए तो पहले इसको, तो देखिए क्या है ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी यानी वन प्लस कोस थीटा और इनटू वन माइनस कोस थीटा, तो ये क्या होगा, देखिए वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है और वन माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी ये किए और ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो बचेगा क्या वन माइनस कोस थीटा बाय वन प्लस कोस थीटा, ये आपका प्रूव हो गया है ना, मीन्स ये हो गया कि एल एच एस बराबर आर एच एस, देखिए है ना एल एच एस ये हो गया हम लोग का, आर एच एस ये हो गया सेम आ रहा है, ये हम लोग प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला के साथ में, क्योंकि आप इस आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले को जब तक आप माइंड में ना बैठ जाए तब तक आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको बहुत जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है समझना, है ना, याद करना, थोड़ा सा याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जैसे कि पहले बताया जितना पहरा दीजिएगा उतना ही गहरा होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग साफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, फाइव का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइव का है ना, सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, कोस ए बाय वन प्लस साइन ए, ठीक है, कोस ए
बाय वन प्लस साइन ए प्लस, क्या दिया हुआ है, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बाय वन बाय कोस ए, ठीक है फ्रेंड, बाय कोस ए इक्वल टू क्या लाना है हम लोग को, टू सेक ए, टू सेक ए। देखिए अब क्या है यहाँ पे कि ये तो बहुत छोटा हो गया, इसमें भी कैलकुलेशन करने से आ जाएगा लेकिन बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, हालांकि दिखता है बड़ा लेकिन है नहीं बड़ा वो, है ना, बहुत छोटा है, क्योंकि आप लोग के सामने तो बहुत सारा सब कुछ छोटा है यार। चलो देखिए क्या है ये हम लोग का, इसका तो सोल्यूशन करते हैं, लेते हैं प्रूफ में इसको हम लोग, ठीक है, एल एच एस, एल एच एस बराबर क्या है उसको लीजिए, एल एच एस क्या है दोस्तों, ये कोस ए बटा वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटा कोस ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से, इसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन कोस ए बाय वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए बाय कोस ए, क्योंकि पीछे को जाने से फिर दिक्कत हो जाएगी, आगे आएगा नहीं, तो इसको ठीक है, यहाँ हम लोग का प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग को, ये कोस ए कोस ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस इस वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो इस तरह से हम लोग का बाय, अब जो बचा सो उसको लिख देना है, कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ये लिखा गया, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या करते हैं हम लोग इसमें, देखिए इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, देखिए कितना अल्जेब्रिक फॉर्मूला का यूज होता है, वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वन प्लस टू साइन ए, है ना, साइन साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बाय क्या मिलेगा कोस ए, कोस ए और वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या मिलता है हम लोग को, देखिए वन ये इसको और इसके साथ रखते हैं ना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और ये वन का वन रहेगा प्लस टू साइन ए बाय जो है आपके साथ में उसको ले लीजिए, कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक है फ्रेंड, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है फ्रेंड, देखिए कुछ ना कुछ जरूर मिलता होगा, है ना, बहुत है ना, थोड़ा देखिए फॉर्मूला आपके सामने में है लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलता होगा। तो क्या मिल रहा है देखिए, उसमें क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, है ना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो सेम तो है यहाँ पे, ए है, ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वन हो जाएगा, यानी वन प्लस टू साइन ए बाय क्या मिलेगा हम लोग को, कोस ए वन प्लस साइन ए मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, देखिए वन वन टू हो जाएगा, टू प्लस टू साइन ए बाय कोस ए, कोस ए वन प्लस वन प्लस साइन ए, है ना, ये मिलेगा हम लोग को। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, टू टू कॉमन लेते हैं, टू कॉमन लेते हैं क्या बनेगा, वन प्लस साइन ए बाय कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ से ये साइन ए और ये साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, टू बाय कोस ए बच गया। देखिए यहाँ पे टू बाय को इसलिए सकते हैं, टू इंटू वन बाय कोस ए। अब स्टूडेंट देखिए कोस ए का ये हम लोग जानते हैं, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का फॉर्मूला वन बाय सेक थीटा, तो इस ए दिया हुआ ए के रूप में लिखेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, टू इंटू सेक ए मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, सेक ए ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, यानी कह सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। जब जब प्यार में पहरा हुआ है, जब जब प्यार में पहरा हुआ है,
उतना ही गहरा हुआ है। इसी प्रकार से आप सबों से विश्वास है कि जितना आप इसे पहरा करेंगे उतना ही आपके दिमाग में यह गहरा होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको अब इस तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर देखते हैं। इसी तरह से ही है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है। देखो क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ तो टेक्निक रहता है उसमें। ठीक है, और उस चीज को समझिए तो आपको सॉल्व करने में आसान है, बहुत आसान है, जो आपको हम आसान करेंगे ही और आसान होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है। tan थीटा / 1 - cot थीटा, क्या कहता है थर्ड में, थर्ड नंबर में कहता है tan थीटा / 1 - cot थीटा, 1 माइनस कोट थीटा प्लस क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बाय कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या प्रूफ करना है, देखिए 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आपको बताया थे कि ये जो है इस तरह का सोल्यूशन में आपको देखना होगा कि कौन सा चेहरा मतलब कैसा में है, उसी तरह से तोड़ना है। देखिए यहाँ पे सेक और कोसेक में है, यहाँ पे टेन और कोट में है, तो टेन कोट तो सेक और कोसेक में आया कैसे, जब तक हम लोग साइन और कोस में तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे साइन और कोस में तोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या तोड़ रहा है हम लोग का, तो सबसे पहले लेते हैं एल एच एस, है ना, प्रूफ के लिए हम लोग लेते हैं एल एच एस। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये cot थीटा tan थीटा है ना। चलिए तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग tan और cos को sin बाय cos में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट, sin बाय cos में तोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, tan का होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, बाय बाय में क्या हो जाएगा, 1 माइनस, 1 माइनस cot को तोड़ेंगे हम लोग, तो cot का होता है cos थीटा बाय sin थीटा। अब यहाँ क्या है, प्लस प्लस देंगे, cot को फिर यहाँ तोड़ेंगे, तोड़ेंगे cos थीटा बाय sin थीटा बाय, तो क्या है 1 माइनस, 1 माइनस tan है, tan थीटा का मान होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं सबको एलसीएम लेते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए ये sin बाय cos तो रहेगा ही, sin थीटा बाय cos थीटा, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लेना है हम लोग को, क्या हो जाएगा हम लोग को, ये sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस, इसी तरह से यहाँ भी रह जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा हम लोग को इस तरह से कि अब ये जो है इसका नीचे वाला को ऊपर गुना करते हैं, गुना ये डिवाइड रूप में है ना, मल्टीप्लिकेशन बुलाते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा इनटू ये चला जाएगा ऊपर, तो sin थीटा बाय बचेगा हम लोग को नीचे में sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा, और यहाँ फिर प्लस प्लस ये भी इसी तरह से हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा इनटू ये हो जाएगा cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हम लोग का सवाल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, देखिए कैसे कैसे होता है। सो तो साइन स्क्वायर, ये साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय ये जो है सुनाने दीजिए कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये सॉरी प्लस, यहाँ पर प्लस, इसी प्रकार से जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और क्या आ जाए यहाँ पे हम लोग का, ऐसा करते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा है ना, सॉरी कोसेक कहाँ से आ गया, यहाँ पे कोस थीटा होगा ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका
कोस थीटा हो जाएगा, साइन माइनस कोस थीटा है और यहाँ कोस माइनस साइन है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कर देंगे ये माइनस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना, ये माइनस जो बाहर आएगा वो माइनस या प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने से हमको क्या मिलेगा, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लिए तो क्या मिला यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की एलसीएम लेंगे, तो ये जो बाहर में इसको रहने दीजिए, अभी इसको बाहर में इंतजार करना है कि वो सब अंदर में क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बाहर में है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये अंदर वाला को करते हैं, क्या करते हैं ये साइन और ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस ये कोस क्या हो जाएगा, कोस क्यू थीटा। देखिए स्टूडेंट यहाँ फिर आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मूला, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले का प्रयोग हो जाता है, इसलिए तो ये बार बार आता है, इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन जो है बार पूछता है, क्योंकि आप पहले बताया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ टेक्निक रहता है कि उसके आगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो सॉल्व प्रश्न सॉल्व हो जाता है, तो क्या हो जाएगा वन बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या है ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद हो होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी साइन थीटा माइनस में ना तो माइनस हो जाएगा इंटू माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये आपका ये टूट गया इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह साइन है तो हम लोग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बंद हो गया। और बाय में जो है सो बाय में क्या है हम लोग का यहाँ पे बाय में क्या था ये सॉरी यहाँ कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग क्या मिला यहाँ से देखिए हम लोग को मिल रहा है इस प्रकार से, ठीक है, ये हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे वन बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मिल करके वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो मिलेगा हम लोग को यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है फ्रेंड, बाय क्या मिला हम लोग को cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड, ये हम लोग को मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए ये आपका ये वाला ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो क्या बचा यहाँ पे बचा ये आपका स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा जगह बच रहा है, बचा ये आपका वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या बचा कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय बाय बच गया आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये बच गया आपका। तो देखिए अब यहां में से क्या हो जाएगा इसको भाग में कर दीजिए बांट दीजिए वन बाय ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये कट जाएगा हम लोग का तो बचेगा देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे देखिए वन बाय साइन का वैल्यू क्या है वन बाय साइन का वैल्यू कोसेक है और वन बाय कोस का वैल्यू सेक है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हम लोग को कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस ये कट गया क्या हो जाएगा वन हो गया ये तो प्रूफ हो गया है ना ये प्रूफ हो गया क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस ठीक है स्टूडेंट ये आपका प्रूफ हो गया इसका फाइव का थर्ड नंबर क्वेश्चन थर्ड का है ना तो इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं कि ये जो है फॉर्मूला इसी का यूज है और कहीं कहीं पे ये होता है कि आपका कि
अलजेब्रिक फॉर्मूला का भी उपयोग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास इतना ही रहते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि ये इसके आगे का क्वेश्चन, इसलिए आप इसको जरूर देखें है ना और समझें, और वीडियो को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर कीजिए है ना, और अधिक से अधिक में सब्सक्राइब करने की मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, कहिएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू।